हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर क्रिकेट 22 वीडियो। सो आज मैं खेलूंगा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप का मैच T10 फॉर्मेट में, वो भी धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड पे। ग्राउंड तो बहुत ब्यूटीफुल है ही और मैच भी बहुत ब्यूटीफुल होगा। सो आप प्लेइंग लाइनअप भी देख लो। तो सीधा चलते हैं टॉस टाइम की ओर। ओके, तो टॉस टाइम हो चुका है। अगर मैं टॉस जीता तो मैं पहले बॉलिंग लूँगा। वेल, यहाँ पे इंडिया टॉस जीता है तो मैं पहली बॉलिंग लूँगा, क्योंकि हमारे पास अच्छे अच्छे चेज मास्टर्स हैं। भाई आप ये ग्राउंड भी देखो एक बार, क्या ही ब्यूटीफुल ग्राउंड है। मेरा तो ये सबसे फेवरेट ग्राउंड है। भाई पीछे पहाड़ी देखो आप। सो गाइस लेट्स गो। जसप्रीत बुमराह डालेंगे डेवन कॉनवे को पहली बॉल धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड के। पहली बॉल बाय द वे मैंने इन स्विंग रखी है। ओह ब्रो, पहली बॉल ही नो बॉल डाल दी यहाँ पे जसप्रीत बुमराह ने। अबे यार, जसप्रीत बुमराह ने बहुत बड़ी गलती कर दी है डेवन कॉनवे के सामने नो बॉल डाल के। प्लीज़ यार, इस बार चौका छक्का ना पड़े तो अच्छा रहेगा। अब एक और नो बॉल जसप्रीत बुमराह, यार क्या कर दिया। गाइज ये नो बॉल कैसे जा रही है। लेट्स गो, इस बार बच गया मैं। चलो भाई अभी पहली बॉल फाइनली। लेट्स गो, रोहित भाई के हाथ में कैच और जसप्रीत बुमराह को पहली विकेट मिल गई पहली बॉल पे ही। नो बॉल और फ्री हिट के बाद में जसप्रीत बुमराह ने डेंजरस मैन को आउट कर दिया। देख लो आप, काफ़ी अच्छा कैच रोहित शर्मा का। जसप्रीत बुमराह ने एक बॉल डाली है और 8 रन दिए हैं। एंड इस बार सिंगल मिल गया, खाता भी खोल लिया। तो बुमराह ने नो बॉल और फ्री डालने के बाद में भी अच्छी बॉलिंग की है। 5 बॉल पे ओनली 11 रन दिए हैं और एक विकेट भी लिए। लास्ट बॉल में इन स्विंग रखूंगा। एंड इन स्विंग रखते ही कैच का चांस आया ठाकुर भाई के हाथ में और ड्रॉप भी नहीं किया। जसप्रीत बुमराह को पहले ओवर में 2 विकेट मिली। मियाँ भाई आ चुके हैं सेकेंड ओवर डालने के लिए। बाई द वे पहले ओवर में तो बहुत ज़्यादा रन देते हैं वो, रियल में भी और गेम में भी देना चालू कर दिया है। पहली बॉल पे ही बाउंड्री दे दी। सिराज ने पहली बॉल पे चौका आने के बाद में अच्छी बॉलिंग की है। 4 बॉल पे ओनली 7 रन दिए और ये भी बहुत अच्छी बॉल थी। चलो सिराज भाई की आखिरी बॉल, चौका छक्का ना जाए तो अच्छा रहेगा। एंड भाई इस बार भी सिंगल ही मिलेगा। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा ओवर गया। आज हमारे पास में हार्दिक पांड्या नहीं है, इसीलिए शार्दुल ठाकुर को बुलाया। एंड पहली बॉल पे चौका। शार्दुल भाई आप हार्दिक के बैकअप के रूप में आए हो, तो भाई हार्दिक पांड्या जैसी बॉलिंग कर दो। इस बार भी अच्छा शॉट बट सीधा फील्डर के हाथ में। अश्विन भाई डायरेक्ट हिट मिस कर दी। शार्दुल ठाकुर ने अभी तक 4 बॉल अच्छे डाले हैं पहली बॉल पे चौका आने के बाद में भी। एंड यार ऐसा बोलते ही चौका मार दिया। अभी फाइनल एक स्पिनर भी आ चुके हैं, कुलदीप यादव। क्या कुलदीप यादव विकेट लेंगे इस ओवर पे। वेल अभी पहली बॉल पे तो चौका खाया है। भाई लास्ट वाली बॉल पे मैंने थोड़ा ज़्यादा रूम दिया था, इस बार मैंने स्टंप में रखी है। नाइस बॉल, सिंगल ही मिलेगा। गाइज अभी रचिंद्र रविंद्र फुल्ली सेंट हो चुका है तो हमें उनकी विकेट लेनी होगी। लेट्स सी कुलदीप यादव वो काम कर पाएंगे। लेट्स गो, LBW कर दिया यहाँ पे, सेट बैट्समैन को आउट कर दिया कुलदीप यादव ने। गाइज विकेट का रिप्ले भी देख लो, सीधा प्लम्ब था ये ग्रासी विकेट पे, क्या ही शानदार बॉलिंग। चलो भाई रविचंद्रन अश्विन आ चुके बॉलिंग करने के लिए, क्योंकि हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुए हैं। ओ कैच, अबे राहुल भाई कैच ड्रॉप कर दिया आपने। गाइज रिप्ले देखना बनता है कि कैच था कि नहीं, शायद से कैच नहीं था भाई, एक और बार देखना बनता है। वो ग्लव्स पे लगी थी ये देखो भाई, ये ग्लव्स पे लगी, उसके बाद में राहुल भाई ने कैच करने की ट्राई तो की बट कैच इजी कैच ड्रॉप कर दिया KL राहुल ने। आप कमेंट में बताओ कि ये कैच था कि नहीं। चलो कोई बात नहीं, अश्विन भाई ने चांस तो बनाया है अभी। बॉल ब्रो, भाई अश्विन भाई तो पहली 3 बॉल पे बहुत अच्छे फॉर्म में दिखे। अबे यार पनौती लगा दी मैंने। 5वीं बॉल भी ऑफ ब्रेक, एक और चौका। भाई पहली 3 बॉल तो अच्छी डाली थी। गाइस एक आर्मर बॉल डालता हूँ, लेट्स सी अश्विन भाई आर्मर बॉल तो अच्छी डालते हैं। वो आगे बढ़ के शॉट खेला, कमबैक का चांस विराट कोहली के हाथ में और भाई पकड़ लिया, इजी कैच है। अश्विन भाई ने अपने ओवर की आखिरी बॉल पे विकेट लिया टॉम लेथम की। ग्लेन फिलिप्स आ चुके अटैकिंग बैट्समैन और भाई पहली बॉल पे अटैक करना चालू भी कर दिया, चौका मार दिया कुलदीप यादव थोड़ा ग्लेन फिलिप्स से बच के। शॉट ब्रो, स्वीप शॉट के साथ में एक और चौका कुलदीप यादव के स्पेल की आखिरी बॉल। क्या मिचल को आउट करेंगे। ओ बहुत अच्छा शॉट फील्डर से थोड़ी दूर, भाई मिचल आउट हो सकते थे पर नहीं हुए। दोनों राइटी बैट्समैन हैं। सो जड्डू भाई भी आ चुके हैं और जड्डू भाई ने भी पहली बॉल पे चौका खाया। मिचल जड्डू भाई के सामने अच्छा खेल रहा है। ओ शॉट ब्रो, गैप में अच्छा शॉट खेला और दूसरा चौका लगा दिया ओवर का।
सो गाइज अभी आखिरी 3 ओवर बची है तो मैं ये तीनों फास्ट बॉलर को लाऊंगा। सो मैं 8वां ओवर भी मोहम्मद सिराज को देता हूँ। मोहम्मद सिराज से बाउंसर अटैक रखते हैं। वो पहली बॉल सीधा फील्डर के हाथ में जाएगी क्या? और नाइस फील्डिंग, चौका बचा लिया कुलदीप यादव ने। लास्ट वाली बॉल मैंने थोड़ी सी आगे डाली थी, इस बार मैंने थोड़ी सी छोटी रखी है। लेट्स सी, नाइस बॉल कैच। ओ भाई बहुत अच्छा शॉट खेला ये। नहीं यार ऐसे नहीं चलेगा, पहले 2 बॉल में से 6 रन आ चुके हैं, हमें कम से कम रन देने हैं। नाइस बाउंसर, इस बार भी गैप में खेला है और एक और चौका मिल जाएगा मिचेल को। भाई मिचेल और ग्लेन फिलिप्स दोनों अच्छा खेल रहे हैं। गाइज अभी तक मेरा बाउंसर प्लान खराब गया है, तो इस बार मैंने थोड़ी सी आगे बॉल डाली है। ओ भाई पावरफुल शॉट खेला है ग्लेन फिलिप्स ने और एक और चौका मिल गया है। इस ओवर में से 3 बाउंड्री आई। शार्दुल ठाकुर आ चुके सेकेंड लास्ट ओवर डालने के लिए, पहले ओवर में से 12 रन दिए थे और ठाकुर भाई ने भी पहली बॉल पे चौका मां खा लिया। ठाकुर भाई की आखिरी बॉल, अभी तक 5 बॉल में से 10 रन दे चुके हैं। लेट्स सी आखिरी बॉल कैसा डालते हैं। लेट कट खेला है, फील्डर के ऊपर से चली गई और मिचेल अभी 43 रन पे पहुंच चुके हैं और दोनों के बीच में अभी 50 की पार्टनरशिप भी हो गई। दोनों ही काफ़ी अच्छा खेले। सो अभी लास्ट ओवर डालेंगे जसप्रीत बुमराह, ग्लेन फिलिप्स और मिचेल भाई के सामने। पहली बॉल मैंने यॉर्कर रखी है एंड चिप शॉट खेला है गैप में। डबल तो इजी मिल जाएगा और डबल के साथ में 100 रन भी पूरे हो चुके हैं न्यूजीलैंड के। पहले 2 बॉल में से 4 रन आ चुके हैं। तीसरी बॉल मिडल स्टंप में मैंने यॉर्कर रखी है। नहीं यार अच्छा फ्लिक शॉट खेल दिया, पीछे फील्डर रोकेगा या नहीं? नहीं रोक पाया। न्यूजीलैंड की टीम ने बहुत अच्छा कमबैक किया, स्टार्टिंग में तो रन नहीं बने पर लास्ट में बहुत अच्छी बैटिंग कर गए हैं दोनों। लेट्स सी, स्लोवर यॉर्कर रखी थी मैंने। अबे भाई गैप में से निकाल दिया ये। 111 भी टोटल हो चुका है, काफ़ी अच्छा टोटल बना लिया न्यूजीलैंड की टीम ने। लेग कटर बॉल आउटसाइड एज और आखिरी बॉल बहुत अच्छी थी जसप्रीत बुमराह की और उसी की वजह से 10 ओवर पे न्यूजीलैंड की टीम 112 रन बना पाई और ओनली 4 विकेट ही गिरे। 113 रन का बड़ा टारगेट चेज करने के लिए आएंगे शुभमन गिल और इनफॉर्म बैट्समैन रोहित शर्मा। और भाई ट्रेंट बोल्ट डालेंगे पहली ओवर, हमें ये बड़ा लक्ष्य चेज करना है तो स्टार्टिंग से ही ऐसा खेलना होगा। शुभमन गिल ने पहली बॉल पर ही छक्का लगा दिया। गाइस मुझे ट्रेंट बोल्ट का प्लान मालूम है क्योंकि वो इन स्विंग डालते हैं तो पैरों में बॉल आएगी। तो एक ओवर में ओ नाइस, देखा मैंने, बोला मैंने कहा कि पैरों में बॉल आएगी और पैरों में ही बॉल डाली। ट्रिपल आइडल की टाइमिंग के साथ में चौका मिल गया। शुभमन गिल से तो अभी तक बहुत अच्छी स्टार्ट मिली है, 4 बॉल पे 10 रन हो चुके हैं। एक बार फिर से पैरों में बॉल, एक बार फिर से मैंने छक्का लगा दिया। सो गाइज अभी सेकेंड ओवर डालने के लिए आ चुके हैं मैट हेनरी। लेट्स सी भाई, शुभमन गिल ऑन स्ट्राइक, बाउंसर बॉल, नाइस भाई फ्री का हमें 5 रन मिल गया। 53 बॉल पे चाहिए 89 रन इंडिया को। अबे यार ओके की टाइमिंग हुई है। ओ नाइस भाई, फील्डर हमारे लिए फील्डिंग करता हुआ। भाई 3 रन मिले तो अच्छा रहेगा, वो चौथा भी मिल सकता है। नहीं भाई चौथा नहीं मिलेगा, 3 रन मिल गए। दोस्तों ये देखो शुभमन गिल ने अच्छा कट शॉट खेला, बहुत पावरफुल कट शॉट तो नहीं था पर थोड़ा डिसेंट टाइप का कट शॉट था। बट ये फील्डर ने किया क्या, बॉल के ऊपर चढ़ने की ट्राई की क्या? भाई आसानी से बॉल रुक जाता अगर डाइव नहीं मारी होती तो भी, पर ये फील्डर को कुछ अलग ही नशा चढ़ गया और डाइव मारी बॉल के ऊपर फिर भी नहीं रोक पाए। चलो शुभमन गिल एक और बार स्ट्राइक में, 3 बॉल पे 10 रन आ चुके हैं ये ओवर में भी। अबे टाइमिंग खराब हुई है, फिर भी चौका मिलेगा क्या? पीछे फील्डर तो है और चौका मिल गया शुभमन गिल को। भाई 4 बॉल पे 14 रन ये ओवर में से भी आ गए। ट्रेंट बोल्ट और मार्क हेनरी को बहुत पीटा है। शुभमन गिल ट्रिपल राइडर की टाइमिंग के साथ में हिट किया और एक और चौका मिल गया। सो गाइज अभी रफ्तार के बादशाह आ चुके हैं लोकी फर्ग्यूसन, बहुत तेज बॉलिंग करने वाले हैं। देखो भाई 146 के स्पीड से पहली बॉल, सेकेंड बॉल बाउंसर डाली शुभमन गिल को। भाई हिटमैन भी और शुभमन गिल भी दोनों ही बाउंसर काफ़ी अच्छी खेलते हैं। दोस्तों एक छक्का आया है, फिर भी लोकी फर्ग्यूसन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, 5 बॉल में से ओनली 8 रन ही दिए। इस बार भाई वहाँ पे कोई फील्डर बाउंड्री पे नहीं था इसीलिए चौका मिलेगा एक और। गाइज अभी तक पार्टनरशिप भी देखो 19 बॉल पे 51 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है रोहित शर्मा और शुभमन गिल के बीच में। 42 रन बनाए शुभमन गिल ने और 4 रन बनाए रोहित शर्मा ने। आज थोड़ा सा उल्टा हुआ है, रोहित शर्मा ने थोड़ा स्लो खेला है बट शुभमन गिल ने बहुत अटैकिंग बैटिंग की है।
कैच नहीं भाई, बच गए यहाँ पे गाइज। अभी भी हमें थोड़ी बाउंड्री की ज़रूरत है। रोहित शर्मा से भी बाउंसर बॉल डाली और हिटमैन का बहुत ही क्लासिकल कूल शॉट भाई। हिटमैन शर्मा तो गजब के फॉर्म में, ये वर्ल्ड कप में आज भी बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए। शॉट ब्रो गैप में, अच्छा पुल शॉट भाई। ओपनिंग पार्टनरशिप T10 मैच में बहुत अच्छी हुई है, 4 ओवर पे 61 रन की। ओ नाइस फील्डर, रोहित का कैच नहीं करना था क्या? जानबूझ के भाई, पेटीएम में 150 रुपये तो नहीं दिए है ना रोहित शर्मा ने आपको? ये देखो रोहित शर्मा से टाइमिंग थोड़ी सी खराब हुई, इसीलिए बॉल बहुत ज़्यादा दूर नहीं गई। बट ये फील्डर ग्लेन फिलिप्स, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप तो बहुत ही अच्छे फील्डर हो, पर ये क्या किया बॉल भाई। ये इजी कैच होता अगर थोड़ा भागे होते तो। ओ नाइस स्वीप शॉट फ्रॉम दी रोहित शर्मा, डबल मिल सकता है। ओ चौका मिल गया, नाइस भाई, मुझे लगा कि 2 या 3 मिलेंगे पर चौका मिल गया। गाइस क्या इस बार लॉफ्टेड स्वीप शॉट खेले? चलो भाई स्विच इट खेला है। कैच ड्रॉप कर दिया रोहित शर्मा का, वो भी दूसरी बार। रोहित शर्मा को आज 2 बार जीवनदान मिले। इसका रिप्ले भी देख लो, हिटमैन ने स्विच इट खेली, टाइमिंग खराब हुई, बट ये फील्डर के हाथ में ईजी कैच था भाई। ओ भाई ईजी कैच ड्रॉप कर दिया ये फील्डर ने। वैसे ये फील्डर कौन था? यंग, विल यंग थे ये फील्डर। मिचेल भाई आएंगे अभी, 12th मैन ने बचा लिया। चलो भाई इस बार ओके की टाइमिंग हुई है एंड इस बार तो हमें चौका मिलेगा। गाइज अभी एक और बाउंड्री चाहिए हमें, क्योंकि 26 बॉल पे 36 रन चाहिए और इस ओवर में से भी ओनली 5 रन ही आए हैं। ओके की टाइमिंग भाई, इस बार तो टाइमिंग तो गुड़ की हुई थी, फिर भी शुभमन गिल भाई मिचेल के सामने थोड़ा संभल के खेल लेंगे, नहीं खेलेंगे भाई। शुभमन गिल मिचेल के सामने संभल के नहीं खेलेंगे और इस शॉट के साथ में 50 भी हो गया शुभमन गिल का भाई। प्रिंस गिल ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की है, 22 बॉल पे 50 रन बनाए। गाइज यहां पे न्यूजीलैंड के कैप्टन बहुत ही ख़राब कैप्टनशिप करते हुए रचिन रविंद्र को लाया है। अभी लास्ट वाली ओवर मिचेल सैंडनर ने अच्छी डाली थी तो उसको कंटिन्यू करवाना चाहिए, बट रचिन रविंद्र को लाया, क्यों लाया कुछ पता नहीं। गाइज अभी तक रविंद्र ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, 5 बॉल पे ओनली 2 रन दिए। इस बार स्वीप शॉट खेल दिया और ओवर को बिगाड़ दिया। मिचेल भाई एक बार फिर से आ गए शुभमन गिल के सामने, अच्छा शॉट, अर्ली की टाइमिंग हुई है फिर भी अच्छा खासा दूर गया और 1 बाउंस 4 रन। चलो भाई 16 बॉल पे अभी चाहिए 20 रन। वैसे तो इंडिया के हाथ में ये इजी गेम है। एक और बार अर्ली की टाइमिंग, बट इस बार फील्डर ने कोई गलती नहीं की। 93 रन पे शुभमन गिल भी आउट हो गए। लास्ट बॉल ऑफ दी ओवर, इस बॉल पे मैं कट शॉट खेलने के लिए जाऊंगा। आगे की बॉल को मैंने कट कर दिया यार, आउट हो गए श्रेयस अय्यर। गाइज अभी हमें 9 बॉल पे चाहिए 16 रन। इस बॉल पे तो हमें चौका चाहिए क्योंकि पहले 3 बॉल में से कोई रन नहीं आया, टाइमिंग खराब हुई है। नाइस भाई, चौका मिले तो अच्छा रहेगा हमारे लिए भाई। फाइनली चौका मिल गया 4th बॉल पे और 101 रन भी हो गए इंडिया के। 8 बॉल पे 12 रन चाहिए। लास्ट वाली शॉट भी टाइमिंग खराब थी, फिर भी भाई चौका तो मिला था। फुल टॉस बॉल पे टाइमिंग कैसे खराब हुई और रन आउट हो जाएंगे यार। आधे रास्ते से मैंने मना कर दिया केएल राहुल को, इन्फॉर्म बैट्समैन आउट। आखिरी बॉल लोकी फर्ग्यूसन की, एक चौका मार दो कोहली भाई प्लीज, लेट्स गो। ओके की टाइमिंग हुई है, 1 बाउंस चौका मिलेगा। सो गाइज अभी आखिरी 6 बॉल बची है, 8 रन चाहिए। जड्डू भाई ऑन स्ट्राइक, जड्डू भाई नहीं नहीं भाई, कैच आउट हो गए। चलो भाई 5 बॉल पे 8 रन चाहिए। ट्रेंट बोल्ट आ चुके हैं अभी। अबे क्या मैंने खेल दिया, ओ नाइस थैंक यू, डबल डबल भाई डबल। 4 बॉल पे 7 रन, शार्दुल ठाकुर ऑन स्ट्राइक। चलो भाई भाग लो भाग लो भाग लो, नाइस रनिंग। 3 बॉल पे 6 रन। गाइज अभी विराट कोहली को कुछ करना होगा, 3 बॉल पे 6 रन चाहिए। नाइस, कभी कभार आउटसाइड एज भी हमारे लिए अच्छी होती है। 2 बॉल बची है, 2 रन चाहिए। नाइस शॉट, इजी डबल मिलेगा हमें और विराट कोहली ने अपने ही स्टाइल में मैच को ख़त्म कर दिया है। बाय द वे विराट कोहली ने हमें लास्ट में बचा लिया 13 बॉल पे 20 रन बना के। इंडिया ये मैच भी 5 विकेट से जीत चुकी है तो अभी फाइनली टेबल टॉपर है इंडिया, न्यूजीलैंड को नीचे छोड़ दिया है। गाइज आपके हिसाब से कौन प्लेयर ऑफ द मैच होना चाहिए आप मुझे बताना, ये स्कोर कार्ड भी देख लो। मेरे हिसाब से तो शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मैच मिलना चाहिए, अभी मिचेल को मिला है।
इंडिया ने ये मैच 5 विकेट से जीत लिया। न्यूजीलैंड ने काफ़ी अच्छी टक्कर दी हमें, पर फिर भी हम टेबल टॉपर तो हो गए। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।